गाइस, दिस इज रम्या, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है मिंत्रा मैक्सी ड्रेसेस हॉल। एंड इस बार में मैंने सब कुछ बजट के अंदर ही रखा है, दैट इज 800 के अंदर ये लिया था जबकि मिंत्रा EORS सेल चल रहा था, तो इसलिए प्राइसेस मुझे काफी कम मिल गई थी। अभी मोस्ट प्रोबेबली प्राइसेस थोड़ी हाई हो गई होगी, बट डोंट वरी, मिंत्रा प्राइसेस रिड्यूस करता रहता है, उसमें ज्यादा डिस्काउंट देता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड। एंड या आपको सारी लिंक्स विद प्रोडक्ट्स की सारी इंक्लूडिंग द साइजेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ऑल्सो द टॉप दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ इज फ्रॉम मिंत्रा, जो कि आप मिंत्रा टॉप्स हॉल में देख ही चुके होंगे, तो ये उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो कि इस वीडियो के जस्ट नीचे होगा, बस आपको वहां जाके सब चीजें मिल जाएंगी। तो या नाउ बिफोर वी प्रोसीड टू द हॉल, मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज, दैट इज द वोग डॉल, मेरा यूजर नेम है द वोग डॉल, एंड उसकी आपको लिंक नीचे भी मिल जाएगी जिससे आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे उसे क्लिक करके डायरेक्ट इंस्टाग्राम में जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, Let's get started. Now the first maxi dress that I'm gonna show you is थोड़ा बहुत ethnic में है और ethnic look में मेरे को वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं for some reason. ये है कुछ इस तरीके का और इसमें इतना सा है कि इसमें foil वाला झुमकियों का print है और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये full black में है, jet black है proper. इसमें आगे आपको round neckline देती है, देते हैं ये, और साथ में यहाँ पे एक V cut है जिसमें आपको ये hook लगेगा, hook और ये loop दे रखा है और ये इस तरीके से बंद हो जाता है और यहाँ पे इतना open रहता है। Sleeves आपको करीब इतनी मिलती है, मुझे स्लीव्स थोड़ी सी ऐसी लगी कि बिल्कुल परफेक्ट फिट नहीं होती, बिल्कुल वैसी है, ना ज्यादा लूज है ना ज्यादा टाइट है। और ये इस तरीके की इसमें यहाँ पे कोल्ड शोल्डर का कट भी दे रखा है। आगे हम बॉडीज का पार्ट देखा जाए तो बॉडीज प्लेन है, कुछ बटन्स कुछ नहीं है, बट नीचे आते आपको ये प्लीट्स देते हैं ये इस तरीके के, कहीं पे भी कुछ भी कट्स या स्लिट्स नहीं है, ये फुल नीचे तक है। बट हाँ, मेरी हाइट 5x5 है, दैट इज 165 सेंटीमीटर, तो उसके हिसाब से ये मेरे को थोड़ा एंकल से थोड़ा ऊंचा आया है। बट अगर आप मेरे 5x5 से छोटे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके एंकल तक आराम से आ जाएगा। इसमें बस मुझे एक चीज है जो लगी है, वो ये है कि थोड़ा बहुत शियर है, तो मैं ये बोलूंगी आपको कि आप ब्लैक शॉर्ट्स पहन लें, अंदर टाइट्स वाले जो आते हैं वो पहन लें, बस दैट इज इट, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप इसको शूज, हील्स, किसी के साथ भी स्टाइल करना चाहते हैं उस हिसाब से। तो ये जो ब्रांड है ये है लिबास का, और इसका जो मैंने साइज लिया है वो है S, व्हाट इट इज। तो ये बस कुछ इस तरीके का है। ये थोड़ा कैजुअल में है, अब ब्लैक में है, बट ये सामने से कुछ इस तरीके का दिखता है। हाई नेकलाइन है, बहुत ज्यादा डीप नहीं है, राउंड नेकलाइन है। इसमें आपको स्लीव्स नहीं दे रखे हैं, ये स्लीवलेस है, कहने को ये स्लीवलेस है इस तरीके से, बट इस तरीके का ये आपको यहाँ पे ये ड्रेप दे रखा है जिसके वजह से आपकी आर्म्स थोड़े बहुत कवर हो जाते हैं इस तरीके से, यहाँ तक ऐसे जुड़ी हुई है। तो साइड में आपको बहुत लंबी जिपर भी दे रखी है क्योंकि ये बॉडी फिटिंग है, थोड़ा ऊपर से अच्छा फिट आता है तो इसका लुक आता है। ये बिल्कुल प्लेन ए लाइन स्कर्ट में है, कोई प्लीट्स नहीं है बॉडीज पे, कुछ नहीं है, स्ट्रेट वे में है, इस वजह से आप मोटे भी नहीं लगेंगे। बट इसमें एक प्रॉब्लम वो ये है कि ये शियर है थोड़ा ज्यादा, अभी आप देख सकते हैं कि अंदर से ऐसा दिखता है, दैट इज इट्स जस्ट अ सिंगल क्लॉथ। आप बैक वीडियो में देख पाएंगे, बैक बहुत ही प्यारा है इसका, इस तरीके से आता है आपको, अभी तो मैं नहीं समझा पाऊंगी कैसा दिखता है, बट आप वीडियो में देख पाएंगे, बहुत क्यूट सा कट ऐसे क्रिस क्रॉस कट में है और इस तरीके से वो दिखता है वीडियो, मतलब बॉडी पे बहुत प्यारा लगता है। इसका जो ब्रांड है वो है रेयर और इसका मैंने साइज लिया है M।
Now this one is a beautiful one, bright and super vibrant. आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत वाइब्रेंट है, बहुत ब्यूटीफुल है. लाइक इट्स इन रेड कोरल, मतलब थोड़ा सा बोलते हैं ना कोरल ऑरेंजिश शेड है. इसका बॉडी है, बॉडीस में आपको ये टायर्ड ड्रेस थोड़ा ऐसे फॉर्म में दे रखा है, बिकॉज इसमें लेयर्स दे रखी है तीन, जो कि सेपरेटली एडेड है, आप देख सकते हैं. और इन सबको थोड़ा बहुत प्लीट करके अटैच किया गया है. इसमें बस एक प्रॉब्लम वो ये है कि ये है तो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा दिखने में और ये सब, बट द थिंग इज कि ये थोड़ा बहुत शियर है अगेन, क्योंकि मे बी बिकॉज दिस इज लाइक कॉटन मटीरियल है, इस वजह से थोड़ा बहुत शियर है. तो ये कुछ इस तरीके का है, आगे से बटन्स बंद हो जाएंगे जब, एंड देन बैक में कुछ इस तरीके का. अब ये जो है आगे से आपको फुल शर्ट फॉर्मेट में दे रखा है, यू कैन ओपन द एंटायर थिंग. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको आपको कार्डिगन की तरह पहनना है, तो आप किसी भी जैसे शॉर्ट्स एंड टैंक टॉप डाल दिए उसके ऊपर ही काफी अच्छा लगेगा, लाइक ओपन जैकेट की तरह. बट द थिंग इज इसमें स्लीव्स नहीं है, दैट इज ऑल. इसका जो ब्रांड है वो है AKS, एंड इसका मैंने साइज लिया है S. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग वन, और मैं आपको दिखाना भी नहीं चाह रही थी, बट फिर मैंने सोचा कि मैंने ले लिया तो मैं दिखा देती हूँ. और ये होगा जो मैं मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी रिटर्निंग, बिकॉज ऑब्वियसली बात है ये बिल्कुल नहीं जमा मुझे. जो आइटम मैं बता रही हूँ जिसके बारे में, वो है ये. अब आपको ऐसे देखने में तो लग रहा होगा हाँ इट्स अ गुड वन, प्लेन है, ब्लैक है, अच्छा है, नॉट बैड एट ऑल. बट द थिंग इज भाई मैंने ये, और ये ब्रांड है ड्रेस बेरी, और इसका साइज मैंने लिया है M. मैंने बस के हिसाब से लिया है, बट द थिंग इज इसका मुझे दो साइज और कम लेना चाहिए था जिससे मुझे अच्छे से फिट आ जाए. तो आप अगर वीडियो में देख पा रहे हैं अगर, तो वो ये है कि ये बहुत लूज है, मुझे लाइक क्रेजी लूज है, मेरा दो साइज बड़ा लग रहा है ये. एंड साथ ही साथ ये इतने बड़े स्ट्रैप से जो कि एडजस्टेबल नहीं है, तो मैंने इनको ऐसे फोल्ड करके पीछे टाई अप कर लाइक स्लाइड लगा रखे, जिससे ये एटलीस्ट मैं प्रेजेंटेबल तो रहे कि मैं आपको दिखा सकूं कि ये कपड़ा है तो कैसा है. तो बैक पार्ट देख सकते हैं, ये जो बैक वाला हिस्सा है इसमें आपको ये इस तरीके का इलास्टिक दे रखा है, मैं पीछे से दिखाती हूँ, इस तरीके का ये इलास्टिक दे रखा है जिसके वजह से ये और ज्यादा बड़ा सा लग रहा है. एंड इसमें आपको इस तरीके के शर्ट बटन्स दे रखे हैं जो कि ओपनेबल है. इसके बाद यहाँ पे इस तरीके की स्टिचिंग दे रखी है यहाँ पे, जो जहाँ पे क्रोशे का वर्क दैट इज लेस का वर्क लगा के रखा हुआ है, जहाँ से आपका पेट दिखता है थोड़ा बहुत, लाइक स्किन दिखती है. ओके, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये नीचे जाता है थोड़ा सा और, एंड देन थोड़ा डबल लेयर ऑफ क्रोशे वर्क दे रखा है यहाँ पे. यहाँ पे आपको कुछ भी विजिबल नहीं है, सी थ्रू नहीं है. देन यू विल बी गोइंग डाउन एंड देन यू विल सी कि ये एक और लेयर दे रखा है, और यहाँ पे ये रफल्स जैसा कुछ एक लेयर ऐड कर रखी है इस तरीके की, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सी थ्रू है. इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसका बैक कंप्लीट प्लेन है, लाइक अ स्ट्रेट प्लेन क्लॉथ. वो अस्तर का फैब्रिक आता है ना, जो सबसे सस्ता वाला जो अस्तर का फैब्रिक आता है, बिल्कुल वैसा लगा मुझे इसका क्लॉथिंग, इसका मटेरियल. तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल ही लाइक 0.5 पॉइंट्स भी नहीं देना चाहती आउट ऑफ 5. नेक्स्ट वन इज अ ब्यूटिफुल पीस जो कि मुझे बहुत पसंद भी आया है, और वो है अगेन अ ब्यूटिफुल कोरल रेड कलर का. ये वाला जो है अगेन ड्रेसबेरी का एम साइज ही है, बट अब इसको देखें ये मेरे को बिल्कुल प्रॉपर फिट आया है. वन इज अ ब्यूटिफुल पीस, ये बहुत ही प्रिटी, बहुत ही गर्ली, बहुत ही कैजुअल अटाया है. इसके अंदर प्रॉपर लाइनिंग भी दे रखी है फॉर योर कम्फर्ट, जिससे आपको शीयर की परेशानी ना हो, कुछ ना हो. सेम कलर में लाइनिंग दे रखा है, और इसमें ये बहुत ही हल्का डेलिकेट सा वाइट फ्लावर के प्रिंट दे रखे हैं ऊपर ऊपर, और इसमें इस तरीके का थोड़ा बहुत यू फॉर्म में दे रखा है. एंड देन
आपको ये वाले कपड़े वाले जो बटन होते हैं वो लगा के दे रखे हैं, जो आप यहाँ से लेके यहाँ तक खोल सकते हैं, दैट इज पूरा बॉडी से आप खोल सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत हल्का सा इलास्टिक दे रखा है आपके वेस्ट के लिए, जिससे आपकी फिटिंग अच्छी है। स्लीव जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से, मतलब ट्रांसल्यूसेंट है, क्योंकि इसमें लाइनिंग का कपड़ा नहीं दे रखा है, बट द स्लीव इज ऑल्सो क्वाइट गुड। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइट हो या फिर बहुत लूज हो। मूविंग ऑन टू द बॉटम, ये फ्लावर्स का जो डेलिकेट डिजाइन है वो नीचे जाते 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 थोड़ा सा भर जाता है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो बॉटम में कुछ इस तरीके का, और लाइनिंग आपकी यहाँ पे ही है, मतलब नीचे से थोड़ी नीचे तक और जाएगी, देख सकते हैं आप, इतनी और जाएगी और उसके नीचे लाइनिंग नहीं है। इसका जो मटेरियल है वो मोस्ट प्रोबेबली जॉर्जेट में है, बट इनसाइड फैब्रिक आपको अच्छा मोटा वाला कपड़ा दे रखा है लिनन का, तो वो काफ़ी कम्फर्टेबल और काफ़ी स्मूथ है। नेक्स्ट आइटम है वो आप लोगों ने डेफिनेटली मिंत्रा पे देखा ही होगा, बिकॉज ये बहुत पॉपुलर था, मैंने इस चक्कर में ले लिया, जो एथनिक लुक में है और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें ये इस तरीके का प्रिंट है जो कि बहुत पॉपुलर है आजकल। आगे से प्लेन राउंड नेकलाइन है, प्लेन लुक है, और नीचे जाके आपके यहाँ पे बॉडी से स्कर्ट वाले पार्ट में जाके ये प्लीट्स चालू हो जाती है कुछ इस तरीके की, ठीक है। यहाँ पे आपको स्लीव्स दे रखी है, कुछ इतनी नॉर्मल स्ट्रेट स्लीव्स नहीं है, थोड़ी सी हल्की सी बेल स्लीव्स है, बहुत ही हल्का सा बेल स्लीव वाला लुक है। इसका ब्रांड अगेन AKS है और इसका साइज लिया है मैंने S, बट इसमें जो ये है कि इसका मेन जो फीचर है वो है इसका बैक थोड़ा डीप इस तरीके से दे रखा है, डीप U दे रखा है, एंड देन यहाँ पे दो टाई अप के लिए दे रखे हैं, दो टाइज हैं यहाँ पे, एक यहाँ है और एक थोड़ा नीचे है, और इनमें दे रखे हैं भर भर के हमारे को ये इस तरीके के टैसल्स, कपड़े के सेम कपड़े के टैसल्स हैं, और ये बहुत प्रिटी लग रहे हैं, लाइक सीरियसली अगर एक लेस को देखें तो कुछ इतना है, तो एक लेस में आपको अबाउट 8 पीसेस ऑफ टैसल्स दे रखे हैं भर भर के, तो दूसरी साइड भी उतने ही है, एंड देन जो नीचे का टाइप है उसमें भी उतना ही, तो ये बैक से टाइप करने के बाद बहुत प्यारा लगता है। इसका जो एक मुझे फैक्टर जो खराब लगा वो ये है कि बिकॉज इसका कपड़ा काफी पतला है, काफी कम्फी है, काफी ब्रीजेबल है, उसके वजह से एक प्रॉब्लम वो ये है कि ये थोड़ा सा शियर है, तो इसीलिए आपको इसके अंदर या तो आप व्हाइट लेगिंग्स पहन लें, या तो व्हाइट प्लाजो पहन लें, व्हाइट पैंट्स पहन लें, वैसे भी नीचे ये फुल कवरेज दे ही रहा है, लाइक फुल एंकल तक जाए गए, तो आप इसके नीचे एक अच्छी पैंट पहन लेंगे तो काफी अच्छा लगे। और इसकी नेक पे आपको स्टैंड कॉलर दे रखा है विद दीज रफल्स का फीचर एडेड ऑन, एंड आगे आपको इस तरीके का ये टाई अप मिलता है जिससे यहाँ पे आप टाई अप कर लें, एंड देन इतना जो पार्ट है वो खुला हुआ रहेगा। देन आगे से आप जब बॉडी से स्कर्ट पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके के रफल्स मतलब प्लीट्स दे रखी हैं, बट द थिंग इज ये वाला फैब्रिक भी शियर हो सकता है अगर इसमें लाइनिंग ना दी हो, बट इसमें आपको बहुत ही मोटी लाइनिंग दे रखी है, गर्मी वाली लाइनिंग नहीं है, अच्छी लाइनिंग है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की है इसकी लाइनिंग का कलर। इसमें भी फ्लो बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लेयर है इसमें, काफ़ी फ्लेयर है, और इसमें भी 3 लेयर ऑफ फैब्रिक दे रखे हैं, देख सकते हैं आप स्टिचिंग अलग अलग जगहों पे,
लाइक एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक फिर यहाँ पे। इसमें जो लाइनिंग है वो इस तरीके का है और आप इसके अंदर आप देख सकते हैं कि काफी नीचे तक दे रखा है, थोड़ा सा गैप होगा जहाँ पे कवर्ड नहीं है, थोड़ा सा मुझे लूज लगा। बट देन आई नोटिस कि यहाँ पे एक स्ट्रैप भी दे रखी है, बेल्ट लूप दे रखे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक स्ट्रैप दे रखा है जिससे आप पीछे की तरफ या आगे की तरफ जहाँ भी बांधना चाहते हैं उसको टाई करके टाइट फील ले सकते हैं। बिकॉज ये जब बॉडी टाइट रहेगा देन नीचे टायर्ड वाला जो ड्रेस का लुक है, फ्लेयर जो है वो पूरा आएगा और उसे बहुत प्रिटी लगेगा। इसका जो ब्रांड है वो है टोक्यो टॉकीज और इसका मैंने साइज लिया है एम। ड्रेसेस पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और ऐसे और आपको वीडियोस देखने हो तो डू लेट मी नो, डू हिट दैट लाइक बटन एज वेल, बहुत बड़ा सा एक लाइक बटन दबा दो, जितनी तेज दबा सकते हो, बस फोन मत तोड़ना, लाइक दबा दो और साथ ही साथ शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, ट्विटर पे, जहां पे भी हैं आप। एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को क्योंकि ऐसे और फन वीडियोस आते रहेंगे आगे भी। एंड साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन बेल बटन भी दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है और क्या वीडियो आने वाला है। एंड या दैट इज इट, अब मैं आपसे अगले वीडियो मिलते हैं गाइस, बाय।